नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरा नाम है गुरु और आप देख रहे हैं मौसमी गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपके इंस्टाग्राम के फॉलोवर बढ़ा सकते हैं, वो भी जेन्युइन तरीके से। मैं जेन्युइन तरीके भी बताऊंगा और फेक तरीके भी बताऊंगा। मैं कुछ छुपाने वाला नहीं हूं, बताऊंगा कि कौन सा फेक तरीका है, कौन सा जेन्युइन तरीका है, ठीक है? तो आज हम दो तीन तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई इंट्रो के, क्योंकि इंट्रो में लगाता नहीं। मुझे लगता है कि इंट्रो में 5 सेकंड आपके बर्बाद होंगे, इसलिए मैं इंट्रो लगाता नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आइडिया क्या है कि आपको अगर पहले जेन्युइन तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फेक भी बता दूंगा, लेकिन फॉलोवर आपके दोनों से बढ़ेंगे, ठीक है? आप फेक से भी बढ़ेंगे और जेन्युइन तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन फेक में थोड़ा सा रिस्क है, जेन्युइन में कोई भी रिस्क नहीं है। आप ईजिली आपके अकाउंट को कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, सस्पेंड नहीं होगा। फेक में भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है। वो क्या रिस्क रहता है मैं बताऊंगा आपको। तो बन रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ठीक है? सबसे पहले जेन्युइन तरीके में आपको क्या करना होगा, आपको एक निच पकड़नी होगी। निच मतलब अगर आपको फैशन का शौक है और अच्छी अच्छी फोटोज डालने का शौक है, तो खुद की अच्छी थोड़ी मॉडलिंग वाली फोटो वोटो डालिए, थोड़े अच्छे से कैमरा वैमरा लेके, कैमरा नहीं तो आजकल मोबाइल में ही अच्छे कैमरे आते हैं, मोबाइल डालिए, ठीक है? और तो वो लोग आपको फॉलो करेंगे जिन लोगों को फैशन का शौक है, या फिर आपको एडिटिंग आती है, ठीक है? अगर आप फोटो खींचिए और एडिटिंग आती है, एडिटिंग करके डालिए, तो लोग उसे भी पसंद करेंगे, और हो सकता है कि फॉलोवर के द्वारा आपको कुछ वर्क भी मिल जाए एडिटिंग का, ठीक है? मिल सकता है, मिलता ही है, ऐसे होते हैं, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? वो कर सकते हैं आप। सबसे पहला क्या हो गया, फैशन। उसके बाद हो गया फूड। फूड में क्या, आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है? ऐसी पोस्ट डालिए कि कौन सा किसको क्या फूड खाना चाहिए, दिन में शाम को क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, डाइट वगैरह का डाल दीजिए, ठीक है? वो डाल दीजिए। और दूसरा क्या है, जैसे अगर आपको ब्लॉगिंग आती है या फिर आप यूट्यूबर हो, वो डाल सकते हो। जैसे आपने यूट्यूब में कोई वीडियो बनाई तो उसे डालिए, तो लोग फॉलो खुद करेंगे। अगर आपको उनको आपकी वीडियो अच्छी लगेगी तो खुद फॉलो करेंगे। वो हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में इसमें जेन्युइन तरीके में एक ही दिन में आपके फॉलोवर बढ़ जाएँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो मैं कोई सा भी तरीका हो, फेक में भले बढ़ सकते हैं लेकिन जेन्युइन में नहीं बढ़ेगा। जेन्युइन में धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे, ठीक है? कुछ तो ये हो गए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ब्लॉगिंग और यूट्यूबर, तो यूट्यूबिंग की जो चीज़ है वो तो हो गई, ठीक है? उसके बाद कोई भी चीज़, अगर जैसे कोई एक पेट है, पेट मतलब डॉगी है छोटा, ठीक है? अगर आप उसी के बारे में अगर डालोगे, ठीक है, तो भी क्या है, आपके जिन लोगों को डॉग पसंद है वो लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है? ये तो हो गई क्या पेजेस की बात, जो अगर आप अदर कैटेगरी के, लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं डालना चाहते हो, ठीक है, ना डॉग की फ़ोटो डालना चाहते हो, ना यूट्यूब के वीडियो, ना ब्लॉगिंग की वीडियो, ना वेट गेन के, ना वेट लॉस के, ना फूड्स के, डाइट के, कुछ भी नहीं डालना चाहते हो, आपका नॉर्मल अकाउंट है, जैसे किसी का नाम है आकाश मेहरा, ठीक है, अगर उसका अकाउंट है अभिषेक मेहरा, अंकित, ऐसा कुछ भी नाम हो गया, ठीक है, ऐसा अगर नाम, और आपके फॉलोवर बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा, ठीक है? बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक है। आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में, ठीक है? उसके बाद जो हार्ट रहता है ना, हार्ट दिल बन रहता है, उसमें क्लिक करना, नोटिफिकेशन वाले में। उसके बाद आपको जो सजेस्टर आते हैं, ठीक है, ऑल सजेस्टर में क्लिक करके जो लोग आते हैं उनको करना है फॉलो, ठीक है? फॉलो करना है धीरे 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 करके, और एक दिन में 200 से ज़्यादा फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है, बता दे रहा हूँ पहले, 200 से ज़्यादा मत फॉलो कीजिएगा। उससे क्या होगा, आप उनको फॉलो करेंगे ना तो वो लोग भी आपको फॉलो बैक दे देंगे, ठीक है? तो 200 अगर आप फॉलो करोगे तो उनमें से कम 100 लोग पक्का फॉलो बैक देंगे, ठीक है? 100 लोग फॉलो बैक देंगे तो आपके 100 फॉलोवर वैसे ही बढ़ गए। और हाँ, आपको अनफॉलो कब करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है? तो वो अनफॉलो करने के लिए आपको तुरंत नहीं करना है, नहीं तो वो क्या होगा, आपने फॉलो किया और बाद में तुरंत अनफॉलो कर दिया तो नोटिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं। आपको उसके पास, जो सामने वाला है उसके पास फॉलो की नोटिफिकेशन तो गई, लेकिन 5 मिनट बाद फॉलो की नोटिफिकेशन अलग हो गई, हाइड हो गई, तो मतलब ही नहीं। इसलिए वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि आपको अनफॉलो कब करना है, लेकिन अभी आप क्या फॉलो कीजिए, ठीक है? एक दिन में 200 फॉलो कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद कुछ देर बाद देखिएगा, आधे एक घंटे बाद धीरे धीरे करके आपको फॉलो बैक मिलेंगे और फॉलोवर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो ये ट्रिक हो गई। दूसरी, आप किसी अच्छे जो बड़े यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर, इन्फ्लुएंसर, इनकी कोई प्रोफाइल में जाइए, ठीक है? जैसे मैं चला गया किसके में, बिल गेट्स की में चला गया, ठीक है? बिल गेट्स की में चला गया, उसके में जो सजेस्ट आता ना उसमें क्लिक करके उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि उनको फॉलो करोगे, आप करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे करके आपको क्या है, खुद फॉलोवर बढ़ते हैं, ठीक है? ये ट्रिक बहुत से लोग अपनाते हैं और अपनाते आ रहे हैं, आप भी अपना सकते हैं,
और फॉलोवर बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अगर जैसे कभी आपका अकाउंट, इसमें क्या होता है, दिक्कत ये आ सकती है, इसमें आपका अकाउंट में कभी कभी क्या है 24 घंटे के लिए या 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए बैन हो जाता है। कैसे बैन होता है, अगर आप एक दिन में 200 से ज़्यादा फॉलो अनफॉलो या लाइक वगैरह कर देते हैं, मतलब फॉलो अनफॉलो लाइक नहीं फॉलो अनफॉलो कर देते हैं, तब जाके ये सब होता है, मतलब आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, गिनते जाइएगा, ठीक है, कितने आप फॉलो कर रहे हैं, कितने अनफॉलो कर रहे हैं, वो सब गिनते जाइएगा। इससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी कि मतलब कितने कर लिए। अगर आप 200 नहीं कर सकते तो 150 कर दीजिए, 50 कम ही रहे तो और अच्छा है, ठीक है। एक ट्रिक तो ये हो गई फॉलो मतलब बढ़ाने की, ऐसे बढ़ा सकते हैं आप। और क्या तरीका है कि आप फॉलो बढ़ाने के लिए फॉलोवर बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाय करने के लिए भी क्या है, आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए हाउ टू बाय फॉलोवर या चीप फॉलोवर, इंस्टाग्राम फॉलोवर, ऐसा जो भी आपका मन करे डाल दीजिए आप, तो ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ भी साइट खुलेगी, जो भी फर्स्ट साइट है उसमें क्लिक कर दीजिए, उसमें वो आपको 1000 फॉलोवर के पैसे बताएंगे। सबके अलग अलग रेट रहते हैं कितने फॉलोवर चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको फॉलोवर बाय करने के लिए। इससे अच्छा तो आपको फॉलो एंड फॉलो मैटर भी मतलब आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप बाय कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे रहते हैं जो कुछ दिन के लिए रहते हैं, ठीक है। फॉलो जो आप फॉलोवर बाय करोगे उनमें क्या होता है, कुछ रहते हैं 1 महीने के लिए, कुछ रहते हैं 1 साल के लिए, कुछ रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए जो रहेंगे वो आपको महंगे मिलेंगे, 1 साल के लिए थोड़े सस्ते, और जो 1 महीने के लिए वो और सस्ते, ठीक है। तो आप ये बाय कर सकते हो इनका। और क्या है, कॉन्स भी हैं, मतलब जो इनकी हानि भी हैं, मतलब घाटा भी है, आप समझ सकते हो। इनका ये घाटा है, अगर जैसे आपने एकदम से फॉलोवर बाय किए, ठीक है, 1000 आपने फॉलोवर बाय किए, 1000 फॉलोवर कर बाय करने के बाद 1 महीने तक तो आपके अकाउंट में 1000 फॉलोवर रहे, 1 महीने बाद धीरे धीरे करके फॉलोवर चले जाएंगे 1 महीने बाद, तो क्या होगा, इंस्टाग्राम को क्या लगता है कि लोग इनको अनफॉलो कर रहे हैं, इनका अकाउंट मतलब जेन्युइन नहीं है, ठीक है। इसलिए आप फॉलोवर बाय करने के मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसी लगी वीडियो, आपके फॉलोवर बड़े नहीं बड़े वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप चैनल में नए मेहमान हैं तो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।